मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप बेटे अब अपनी नेक्स्ट गेम की करांगे जिसका नाम है आर्थिक विज्ञानी अब्दुल कलाम, डॉक्टर अब्दुल कलाम। इसके लिए राइटर ने डॉक्टर पृथ्वीराज थापर है। उन्होंने बेटे अपनी कलम तो सामने जी जीवनी दी है डॉक्टर कलाम ने जो संघर्ष किया है, उन्होंने जो उन्होंने अपनी जिंदगी के मकसद को किस तरीके संपूर्ण किया उसको समझाने का उन्होंने मकसद है इस जीवनी दे रहा है। उन्होंने बहुत ही बखूबी सानू डॉक्टर कलाम बारे जानकारी दी। इस तरह बेटे डॉक्टर कलाम का जन्म है बेश्वर त्रुषकोडी तमिलनाडु के होया। उन्होंने पिता का नाम जैनुलाकुदी ते माता का नाम आशिमा सी। बेटे बचपन तो ही जो डॉक्टर जेडे कलाम ने उन्होंने जी जो बचपन उन्होंने परिवार का जो हिस्सा से वह किश्तिया का सी, परंतु समय के नाल उन्होंने काफ़ी घाटा पै गया तो अत गरीबी के बचारे बड़ी गरीबी के उन्होंने पढ़ाई की अपनी, परंतु लगन के नाल कि एडे वे मुकाम पर पहुँच गए है ना। तो उन्होंने बहुत गरीबी के पढ़ते हुए भी उन्होंने जोड़ा मेन जो मकसद से वह गणित के विषय में सफलता हासिल करना सी, चाहे कह लो भी उन्होंने रुचि गणित के विषय में उसके नाल ही उन्होंने विज्ञान के रूप में रुचि। 2002 राष्ट्रीय सत्ता का लोक राजी गठजोड़ के अधीन बेटे वह 11वें राष्ट्रपति बने इंडिया के। तो थोनू भी पता है भी जिन्हें भी राष्ट्रपति हुए हैं उन्होंने जेडे डॉक्टर कलाम ने वो एक सिरमौर राष्ट्रपति हुए हैं कि जिन्होंने विज्ञान के खेत्र के साढ़े भारत देश को अगे लैके गए। विज्ञान के खेत्र में उन्होंने तरक्की भारत की करवाई कि जे जय किसान जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा है जोड़ा वो डॉक्टर कलाम के नाम साढ़े इंडिया के नाम साढ़े भारत के नारे के नाम जुड़े। डॉक्टर कलाम ने अपने देश की रक्षा के लिए अपने देश को रक्षा के तौर पर जाए कह लो सैल्फ डिफेंस के तौर पर मजबूत बनाने के लिए उन्होंने बहुत सारे इस तरह परमाणु जोड़े हथियार ने परमाणु बॉम्ब वगैरह ने उन्होंने बनाने बहुत सारा योगदान दिता। जो पोखरण के सैकेंड पांच परमाणु विस्फोट किए गए जो कह लो कि निरीक्षण किया गया उस भी विशेष जो स्थान है वह विशेष जो काम से वो सारे डॉक्टर कलाम ने की है ना, उन्होंने जिम्मेवारी विशेष बन गई। इस तरह जी इंडिया 2000 जी नॉलेज सुपर पा नॉलेज बुक है वो नॉलेज सुपर पावर उस जो मेन विषय है उस है कि भारत को किस तरीके हर पक्ष तो अगे लैके जाया जाए, जिस तरह भारत की खुराक भारत की आर्थिकता भारत का राष्ट्रीय जो संगठन है जा उसका जो डिफेंस है उस चीज़ को किवें अगे लैके जाया जाए किवें सुरक्षित किया जाए, यही सारा भारत की सारी सूची है जो भारत देश के विकास का जो सूची है वह सारी सानू इंडिया 2000 बुक के प्राप्त होती है जो कि डॉक्टर कलाम की अगुवाई के हेठ बनी। उस तो बाद 2011 फिल्म आई आई एम कलाम जिस उन्होंने गरीबा का मसीहा भी कहा गया। वो बेटे बहुत ज़्यादा आम लोगों का गरीब लोगों की मदद करना दिलों पसंद करते सी, एक कह लो कि त्याग की भावना वाले भी इंसान सीगे। उन्होंने विआह नहीं करवाया तो अपनी जी पूरी लाइफ है वह लोगों के लिए समर्पण कर दी। वो धर्म निरपक्ष भी सी, मोमडन होके भी मुसलमान कास्ट के होके भी वो सिर्फ ये नहीं सिर्फ अपने धर्म को प्यार करते हैं, नहीं वो सारे धर्मों बहुत प्यार करते। उन्होंने संस्कृत विशेष रूप में सीखी, गीता जो अपने धार्मिक ग्रंथ गीता है उस पढ़न के लिए उन्होंने इन्नी मेहनत की। वो सारे धर्मों का सत्कार समझते थे, वो कहते थे धार्मिक दोस्त है जो एक दूसरे को आपस के मिला है। उस तो बाद बेटे उन्होंने देहांत है जोड़ा वो 27 जुलाई 2015 में होया, 30 जुलाई 2015 में उन्होंने राष्ट्रीय सम्मान के नाल अंतम संस्कार किया गया। तो लास्ट के उन्होंने अपनी जो पुस्तक है लिखी है पुस्तक उन्होंने स्वयं जीवनी है विंग
विंग्स ऑफ फायर दे विच वी जा एंड दे जो उन्होंने शब्द ने वो यही कहे दुनिया नू आवाम नू भारत के लोगों नू ए संदेश दिता कि जेकर सचमुच तुसी मैनू प्यार करते हो ता मेरे मौत वाले दिन छुट्टी नहीं करनी बल्कि आम दिनों नालों ज़्यादा काम करना है। इस तरह के ख्याल वाले डॉक्टर अब्दुल कलाम जो मेहनत नू बेटे मुशक्कत नू हार्डवर्क नू मेहनत नू जा लगन नू जा अग्गे वधन नू ही अपनी जिंदगी का टीचा समझते सी ना कि किसी भी किसी के जन्मदिन की छुट्टी मनाने किसी के मौत की छुट्टी मना के फिले घूमन। वो चाहते सी मेरे भारतवासी हद तो परे मेहनत करके इन्ना ज़्यादा